टिकटॉक की खबरें कभी भी खत्म नहीं हो रही हैं। यूएस से एक नई खबर आ रही है, बताएंगे आपको, साथ में बताएंगे कि नोकिया C3 स्मार्टफोन जो चाइना में इसी महीने की शुरुआत में लॉन्च हुआ था, इंडिया में भी लॉन्च होने जा रहा है, पेज हो गया है इसका दोस्तों लाइव वेबसाइट पे, और भी ढेर सारी टेक न्यूज को शामिल करेंगे आज के एपिसोड में। देखते वीडियो लास्ट तक, मैं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन गिव अवे का याद रखिएगा, 5K सब्सक्राइबर वाला चल रहा है गिव अवे, Redmi Note 9 के साथ में 5 हेडफोन्स आप जीत सकते हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब करते जाइए और चैनल को शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं पोल सेगमेंट में। कल मैंने आपसे पूछा था कि लावा पल्स जो फीचर फोन लॉन्च हुआ है वो आपको कैसा लगा इस कैटेगरी में, तो 73% लोगों ने तो दोस्तों इसको कमाल बताया है, तारीफ के पुल बांधे हैं, जबकि 27% लोगों ने इसको नकार दिया है, ठीक नहीं माना है। आते हैं दोस्तों आज के पोल पर। आईफोन 12 को लेकर जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट की खबर आ रही है दोस्तों कि वो ज्यादा होगी, तो आपको क्या लगता है, क्या इसकी प्राइस जो है दोस्तों वो आईफोन 11 के इर्द गिर्द घूमेगी, या फिर ये इस पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? जवाब देना दोस्तों मत भूलिएगा। आते हैं फटाफट से पहली न्यूज पर। दोस्तों टिकटॉक ने यूएस के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की है यूजर्स पर, दरअसल हेट स्पीच पॉलिसी का वायलेशन करते हुए 380,000 से ज्यादा वीडियोस को दोस्तों रिमूव किया है, और साथ में 1300 से ज्यादा अकाउंट्स को भी दोस्तों ब्लॉक किया है अपने प्लेटफॉर्म पर। वैसे टिकटॉक की यह कार्रवाई तो अपने यूजर्स के लिए है, लेकिन जो टिकटॉक के ऊपर यूएस के अंदर कार्रवाई चल रही है दोस्तों, उसका अभी तक कुछ भी समाधान नहीं निकल पाया है। देखते हैं डेडलाइन के बाद भी क्या टिकटॉक चलता रहता है या फिर बैन का उसे सामना करना पड़ता है। अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों पबजी मोबाइल की तरफ से। एक नया टीजर सोशल प्लेटफॉर्म पर किया गया है रिलीज, जिसमें बताया गया है कि 24 अगस्त को एक इवेंट होने वाला है जहां पर पबजी मोबाइल का नया इरा दोस्तों अनाउंस किया जाएगा। वैसे रिपोर्ट्स ये आ रही है कि इस नए इरा में हमें इरेंगल 2.0 देखने को मिल सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है दोस्तों। साथ में आपको ये भी बता दूं कि इसी महीने की शुरुआत में पबजी मोबाइल पर एंशिएंट सीक्रेट मोड भी दोस्तों आ चुका है। बाकी देखते हैं 24 तारीख को क्या निकल के आता है। अगली न्यूज आ रही है दोस्तों एप्पल के आने वाली नई सीरीज आईफोन 12 को लेकर। दोस्तों प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, कंपनी के अंदर से खुद इसके बारे में जानकारी आ रही है, और इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ ना जाए उसकी, इसीलिए बैटरी के जो पार्ट्स होंगे दोस्तों उनको सस्ते पार्ट्स को एप्पल यूज करने वाला है इस आने वाली नई सीरीज में। वैसे काफी चर्चा में बना हुआ है ये फोन, इंतजार करते हैं दोस्तों कि अक्टूबर में या सितंबर में कब लॉन्च करती है कंपनी, बाकी देखते हैं दोस्तों क्या रहती है इसकी प्राइस। अगली न्यूज़ है दोस्तों इंडिया में करने जा रहा है नोकिया नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन C3 लॉन्च। दोस्तों इसी महीने की शुरुआत में चाइना में ये फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 3040 mAh की बैटरी वाला ये फोन दोस्तों आता है सिंगल रियर कैमरा 8 MP के साथ में, सामने वाटर ड्रॉप नोच में मिलती है 5 MP का सेल्फी कैमरा। बाकी दोस्तों 3 कलर वेरियंट इसके चाइना में लॉन्च हुए थे, इंडिया में भी इसका पेज हो गया है लाइव वेबसाइट पर। बाकी इंतजार करते हैं दोस्तों की लॉन्चिंग कब होती है इसकी इंडिया में और क्या प्राइस इसकी कंपनी रखती है। अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों ओप्पो एफ सीरीज के 2 स्मार्टफोन F17 और F17 Pro दोस्तों लॉन्च होने वाले हैं जल्दी ही, और साथ में कमाल की बात यह है कि इंडिया में भी ये फोन जल्दी ही कंपनी लॉन्च कर देगी। ड्यूल पंच होल सेल्फी कैमरे के साथ में पीछे की तरफ मिलेगा क्वाड कैमरा। दोस्तों टीजर इसका कंपनी ने कर दिया है रिवील सोशल प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं कि कब तक ये फोन किस प्राइस रेंज में दोस्तों आ पाता है। न्यूज़ भी दोस्तों ओप्पो के एक स्मार्टफोन को लेके है जो कि है बजट फोन। दोस्तों ओप्पो A53 इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है 25 अगस्त को। दोस्तों ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए, कंपनी ने ऑफिशियली इसके बारे में जानकारी दे दी है। 5000 mAh की बैटरी के साथ में 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज इसमें मिलेगा। पीछे की तरफ मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा, और दोस्तों कमाल की बात यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 SoC के साथ में ये फोन आ रहा है। प्राइस की अगर बात करें तो 15,000 से नीचे इसकी प्राइस रहने वाली है। बाकी देखते हैं दोस्तों लोगों को ये फोन कितना पसंद आता है और अपनी कैटेगरी के दूसरे फोन्स को ये कितनी टक्कर देता है। अगली न्यूज़ है दोस्तों रियलमी X7 सीरीज के 2 स्मार्टफोन 1 सितंबर को लॉन्च होने जा रहे हैं, और हर दिन कोई ना कोई नई डिटेल सामने आ रही है। टीजर पहले जो आए थे उससे पता चला था कि इसमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगी एमोलेड, और अब नई खबर आ रही है कि इसमें दोस्तों 1200 निट्स ब्राइटनेस डिस्प्ले हमें मिलेगी, साथ में DC डिमिंग फीचर भी दोस्तों देखने को मिलेगा। बाकी अभी तो दोस्तों काफी दिन बाकी है, हो सकता है और भी ढेर सारी डिटेल इस फोन को लेके सामने आ जाए, इंतजार करते हैं सभी खबरों का। अगली न्यूज़ है दोस्तों ओनर करने जा रही है 4 सितंबर को एक लॉन्चिंग इवेंट, जहां पर ओनर GS Pro स्मार्ट वॉच और साथ में ओनर व्यूपैड 6 और व्यूपैड S6 दोस्तों लॉन्च करेगी। प्राइस क्या रहेंगे इन तीनों ही प्रोडक्ट के दोस्तों इंतजार करेंगे, और क्या कंपनी इंडिया में भी इनको लेके आएगी दोस्तों इस खबर का भी इंतजार रहेगा। और लास्ट न्यूज है दोस्तों टिक वॉच ने इंडिया में GTX अपनी स्मार्ट वॉच दोस्तों लॉन्च कर दी है। ज्यादा इसके प्राइस नहीं है, 5,669 रुपए की प्राइस रेंज में ये स्मार्ट वॉच इंडिया में लॉन्च हुई है, जिसमें कि आपको
इनबिल्ट हार्ट रेट मॉनिटर सेंसर दोस्तों मिलेगा, लेकिन कमी यह है कि इसमें इनबिल्ट आपको ना तो जीपीएस मिल रहा है ना ही दोस्तों वाईफाई सपोर्ट मिलेगा। ब्लूटूथ के साथ में इसे कनेक्ट कर सकेंगे, 5.0 वर्जन इसमें सपोर्ट करेगा। 4 सितंबर से दोस्तों इसकी डिलीवरी इंडिया के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, आप चाहें तो ऑनलाइन इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों स्पोर्ट्स मोड वगैरह भी आपको इसमें मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक्नोज अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.techinsider.in को विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन्वाइट कीजिए मेरे फ्रेंड्स को, जाते कल जो सब्सक्राइब अगर अभी नहीं करो घंटे को जरूर दबा, ताकि अगले आने वाली वीडियो को आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।